मैडम ने आंखों देखी। नमस्कार, आंखों देखी में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं अजमेर दरगाह और जानते हैं वहां के हालात। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं मेहंदी हसन आज लाइव हूं अजमेर शरीफ से। हमारे बीच एक बहुत ही बड़ी शख्सियत मौजूद है अजमेर दरगाह से। जी हां, सैयद नादिर अली शाह साहब हैं जो दरगाह शरीफ अजमेर के खादिम खास हैं। आइए आज हम जानते हैं कि इस कोरोना काल में, इस कोरोना महामारी में दरगाह शरीफ पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा और जायरीनों का यहाँ किस तरह से प्रभाव पड़ा है, आइए हम जानते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से आप जुड़े। प्लीज़ आप बताएंगे कि इस कोरोना काल में क्या स्थिति रही। कोरोना काल से जैसे आपको मालूम है 4.5 महीने से अजमेर शरीफ की जगह बंद है, तो जो जायरीन हैं, जो ख्वाजा साहब के आशिक हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो हर मज़हब के लोग दरबार से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान सब धर्म के लोग दरबार से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत ही तकलीफ़ हुई। जो हर महीने हर हफ्ते कई लोग आया करते थे दरबार में, तो वो दरबार नहीं पहुँच पाना, तो उनको एक अजीब सा उनकी लाइफ के अंदर एक तूफान आया हुआ है। वो ख्वाजा साहब के दरबार को मिस कर रहे हैं, दरबार की जो रस्में होती हैं उसको मिस कर रहे हैं। ख्वाजा साहब के मेहमान जितने भी हैं आने के लिए यहाँ तरस रहे हैं, तो हम ख्वाजा के दरबार में बस यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन खुले तो वो गरीबनाथ के दरबार में आएँ और हाजिरी दें। सर का कहना है कि जल्द से जल्द गरीब नवाज सरकार का दरबार खुले और लोग हाजिरी दें। बेशक इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं धर्म दब के रह गया है और यूं कहें कि पूरी दुनिया इसमें समेटी जा रही है। पहले तो मैं यही आप लोग से दरख्वास्त करूंगा, सभी लोग जो भी चैनल को हमारे देख रहे हैं, कि आप अभी बचाव करें अपने आप को, घर पर भी रहें, सेफ भी रहें। और मैं राजस्थान गवर्नमेंट से भी ये आग्रह करूंगा कि आप लोग प्लीज़ दरबार को खोलें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, यहाँ के मंदिर मस्जिदों को खोलें, ताकि कहीं ना कहीं दुआएं भी काम देती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बेशक ख्याल किया जाए। क्या सर? बिल्कुल ज़रूरी साहब, ये तो हमारे सोशल डिस्टेंस जितना करेंगे उसके लिए उससे आपको, हमको, जितने भी लोगों में सबको फ़ायदा होगा। बहुत अच्छी बात है, सोशल डिस्टेंस होना चाहिए। जो जो हमारी हुकूमत की तरफ से ऑर्डर है वो सबको पालना उसकी करनी चाहिए। और हमारी राजस्थान की हुकूमत से हम दरख्वास्त करेंगे कि जितना जल्दी हो सके जायरीनों के लिए दरबार शरीफ खोला जाए। दरबार शरीफ खोला जाए तो मैं एक और बात सर के बारे में बता दूं कि जो दरगाह शरीफ खुलते हैं, अंदर के जो दरबार खुलते हैं वो सर के द्वारा खोले जाते हैं, ये बहुत खुशनसीबी की बात है, ये बहुत ही ज़्यादा खुशनसीबी की बात है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे खुशनसीब लोग होते हैं जो दरबार खोले। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो बेशक आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, ये हमारे मुकद्दर की बात है कि अल्लाह ने हमें इस चौखट पर पैदा किया और इतनी बड़ी सेवा, इतनी बड़ी खिदमत अल्लाह ताला ने हमसे ली, और हुजूर गरीबनवाज के दरबार को खोलना, बंद करना, रोशनी करना, लोबान करना, ज़ायरीन जो आते हैं उनके लिए दुआ करना, ये सब हमारे बड़ी दिली सुकून मिलता है। जब ज़ायरीन के लिए हम दुआ करते हैं, जब दरबार की रस्में करते हैं, तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सर, ये मैं पूछना चाहूँगा, कब से आप दरगाह की सेवा कर रहे हैं, कब से सेवा कर रहे हैं सरकार की? मैं ये जानना चाहूँगा कब से ये दरबार आप खोल रहे हैं? मैं 97 से मैं खिदमत शरीफ में दरबार से जुड़ा हुआ हूँ सरकार के, उसके बाद मैंने 97 से ज्वाइन कर लिया दरबार। 97 से दरबार आपने ज्वाइन किया, आप सुन सकते हैं सर को, 97 से दरबार की सेवा कर रहे हैं और दरबार खोल रहे हैं। और इससे पहले भी सर आपके फैमिली मेंबर्स से, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है यहाँ जो दरबार की सेवा करते हैं वो उनके पुश्तैनी चली आती है, दरबार के जो भी लोग हैं सेवार्थ हैं, खादिम साहब लोग हैं, पुश्तैनी ऐसा कुछ? ये ख्वाजा साहब के दरबार में 2000 खादिम हैं जो हम 800 साल से हमारा ताल्लुक गरीब नवाज से जुड़ा हुआ है, और हमारे एक ही परिवार के हम लोग 2000 लोग हैं जो सारी रस्में हम आपस में मिल बांट के करते हैं, जिनको खुद दाम हजरात कहा जाता है। और दरबार की सारी रस्में अल्लाह ताला का शुक्र है हमारे हाथों से वो रस्में की जाती है, दरबार खोलना, बंद करना, सारी रस्में हम लोग। तो दरबार खोलना सबका काम है। और सर, आप जानते हैं हमारी चैनल राजस्थान में नई नई लॉन्च हुई है, अन्य स्टेटों में पहले से चल रही है, तो हमारे चैनल के लिए क्या संदेश है आपका?
सबसे पहले मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ कि आपका चैनल ख्वाजा साहब की नगरी में चालू हुआ। आंखों देखा बहुत पुराना चैनल है। इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग ख्वाजा साहब की दीदार करेंगे उन सबको हम ख्वाजा की नगरी में दुआ कर रहे हैं कि गरीब नवाज उनको भी दरबार में बुलाएं आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं, जैसे ही हमारा चैनल यहाँ जो टीवी स्लॉट है उस पर स्टार्ट होती है, वैसे ही हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर ने डिसीजन लिया कि हम प्रत्येक आधा घंटा शाम का जो दरबार का समय है हम लाइव पूरी दुनिया को दिखाएंगे। और ये आप लोगों की इजाज़त बिल्कुल होनी होगी कि हम लाइव पूरी दुनिया को दिखा सके, यहाँ की ज्यारत करवा सके। जो शाम का समय होता है, दिया जलती है, लोहबान जलती है, उस समय का। तो मैं बेशक चाहूँगा कि आप लोग उसकी बात करेंगे और इजाज़त हमें दिलवाएंगे ताकि मैं ज्यारत के तौर पर पूरी दुनिया को दिखा सकूँ, सरकार की ज्यारत करवा सकूँ। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। ख्वाजा साहब के चाहने वाले जितने भी आपके चैनल के ज़रिए ये इस वक्त देख रहे हैं उनको हम एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं कि इस वक्त आप मायूस ना हो, करोना जो चल रहा है इसको आप थोड़ा बर्दाश्त करें। जल्द से जल्द ख्वाजा साहब में हम दुआ कर रहे हैं, ये टाइम भी कट जाएगा और आप सबकी हाज़िरी गरीब नवाज के दरबार में फिर उसी तरीके से रौनक दरबार की जैसी शान शौकत से दरबार में ज़ायरीनों का तांता लगा रहता था। कव्वालियाँ जो झूम झूम के आशिक हाज़िरी देते थे वापस इंशाल्लाह वो रौनक लौटेगी। ख्वाजा साहब के आशिकों को हम ये दिलासा देते हैं कि आप मायूस ना हो, जल्द से जल्द ख्वाजा के दरबार में आप पहुँचेंगे इंशाल्लाह। तो आप सुन रहे हैं सर का कहना कि आप मायूस ना हो, जल्द से जल्द दरबार खुलेगी और आपकी हाजिरी यहाँ होगी। जी हाँ बेशक, इंशाल्लाह मैं भी दुआ करूंगा कि जल्द से जल्द दरबार खुले और आपकी हाजिरी यहाँ हो। तो आप सुन रहे थे सैयद नादिम अली साहब को, नादिर अली साहब को, जो दरबार में खादिम खास हैं। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे फिर से किसी बड़ी शख्सियत के साथ। तो आज तक आंखों देखी ब्यूरो रिपोर्ट।